بسم الله الرحمن الرحيم। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया तो हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा, वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना उसको, वहां पे सोचिए चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से कुछ कुछ के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए, तो बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे, तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया। वहां जब मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, अपने फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो बहुत सारे हिंदू एक सवाल करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ फैमिली मामलात में, फैमिली मैटर में पर्सनल लॉ की बात क्यों करते हो, क्रिमिनल लॉ जो है उसमें पर्सनल लॉ की बात क्यों नहीं करते, यानी जब तलाक की बात आती है, निकाह की बात आती है तो आप कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है, मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी किया, तो वहाँ पे क्यों नहीं कहते कि हमारे लिए इस्लामी कानून चाहिए कि मुसलमान चोरी करें तो उसका हाथ काटा जाए। तो फैमिली मैटर में तो आप लोग कहते हो कि हमारे फैसले इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, विरासत के फैसले इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, तलाक के फैसले इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात आती है, जरायम की बात आती है, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं इस्लामी कानून हमको नहीं चाहिए। तो ये एक सवाल है, ये उठा के वो बहुत मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन इसका एक जवाब, मुख्तसर जवाब जो हर एक के जहन में होना चाहिए, वो ये कि क्रिमिनल लॉ में, इस्लाम की नज़र में क्रिमिनल लॉ पर्सनल लॉ नहीं होता है। इस्लाम के जो भी क्रिमिनल लॉ हैं, इस्लामी हदूद हैं, यानी कोई चोरी करेगा तो हाथ कटा जाएगा, कोई किसी का मर्डर कर देगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा, खून का बदला खून, तो ये जो इस्लामी कवानीन है ये पर्सनल लॉ नहीं है, इसे मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मसलन अगर इस्लामी हुकूमत हो, तो इस्लामी हुकूमत में जब ये कानून होगा कि चोर का हाथ कटा जाएगा, तो चोरी चाहे मुसलमान करेगा चाहे इस्लामी हुकूमत में रहने वाला गैर मुस्लिम करेगा, सबका हाथ कटा जाएगा। तो जो क्रिमिनल लॉ है उसमें पर्सनल लॉ नहीं है इस्लाम के यहाँ, वो सबके लिए, समझ रहे कि नहीं। तो ये जो हिंदू लोग मुतालबा करते हैं कि आप क्रिमिनल लॉ में पर्सनल लॉ की बात क्यों नहीं करते, भाई क्रिमिनल लॉ में मुसलमानों के यहाँ पर्सनल लॉ कहाँ है, क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए, यानी इस्लाम की जो ये सजा है कि जो चोर का जो चोरी करेगा उसका हाथ काटेंगे, तो ये थोड़ी कि मुसलमान चोरी करेगा तो हाथ काटेंगे, अरे कोई भी चोरी करेगा उसका हाथ काटेंगे, मुसलमान चोरी करेगा, इस्लामी हुकूमत में रहने वाला हिंदू चोरी करेगा, ईसाई चोरी करेगा, सिख चोरी करेगा, अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसके दायरे में रहने वाला कोई भी शख्स चोरी करेगा, पता चला साबित हुआ हाथ काट दिया जाएगा। तो ये कॉमन लॉ है, जो इस्लाम के जो क्रिमिनल लॉ है वो कॉमन लॉ है, पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो फैमिली लॉ है वो पर्सनल है, जैसे विरासत का मसला है। अब एक मुसलमान मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये इस्लामी शरीयत तय करेगी, लेकिन अगर इस्लामी हुकूमत में रहने वाला कोई हिंदू है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये इस्लाम नहीं तय करेगा, ये उसका अपना मसला है, क्योंकि जो विरासत के कानून ये पर्सनल हैं, ये मुसलमानों पे सिर्फ अप्लाई होंगे। तलाक का मसला है, इद्दत का मसला है, खुला का मसला है, ये सारे जो फैमिली कानून हैं, फैमिली लॉ हैं इस्लाम के, वो सब पर्सनल हैं, यानी सिर्फ मुसलमानों पर अप्लाई होंगे, चाहे मुसलमान इस्लामी हुकूमत के जेर साया हों या गैर मुस्लिम हुकूमत में हो, कहीं भी हो, ये उनके फैमिली लॉ पर्सनल है। इस्लामी हुकूमत होगी तो भी ये पर्सनल ही हैं, इस्लामी हुकूमत होगी इसका मतलब नहीं कि जो विरासत का इस्लामी कानून है इस्लामी हुकूमत उसे गैर मुस्लिमों पे नाफिज कर देगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो जो हिंदू लोग ये सवाल करते हैं ना कि मुसलमान लोग फैमिली मामलात में पर्सनल लॉ का मुतालबा करते, क्रिमिनल लॉ में पर्सनल लॉ का मुतालबा क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब यह है कि भाई इस्लाम में क्रिमिनल लॉ में पर्सनल लॉ नहीं होता है, क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए है, और जो फैमिली लॉ है वो पर्सनल है वो मुसलमानों के लिए, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के जो क्रिमिनल लॉ हैं जिनको हम इस्लामी हदूद कहते हैं, उनके नफाज के लिए इस्लामी हुकूमत शर्त है, यानी जो हमारे फैमिली लॉ है ना उनकी प्रैक्टिस कोई भी करेगा, हर मुसलमान पाबंद है, जैसे निकाह के जो अहकाम हैं, खुला के जो अहकाम हैं, विरासत के जो कवानीन हैं, इन पर अमल करना है हर मुसलमान को, चाहे वो इस्लामी हुकूमत में हो चाहे गैर इस्लामी हुकूमत में हो, हर मुसलमान को अमल करना है अपनी फैमिली में रह के। लेकिन जो इस्लामी हदूद हैं, इस्लाम के इस्लाम में जो क्रिमिनल लॉ हैं, उनकी तनफीज़ कौन करेगा, उनकी तनफीज़ सिर्फ हुकूमत कर सकती है, उन कवानीन का नफाज कोई मुसलमान नहीं कर सकता, चाहे इस्लामी हुकूमत ही में क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर किसी घर में किसी ने चोरी कर लिया तो बाप उसका हाथ नहीं काट सकता, उसका बाप, उसका भाई या पड़ोसी, कोई मुसलमान घर है उसमें चोरी कर लिया किसी ने, मुसलमान ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो भी उसका हाथ नहीं काट सकता, ये इस्लामी हुकूमत का काम है, ये जितने भी कवानीन हैं, और इस्लामी हुकूमत इन कवानीन की तनफीज़ में अपना एक खास तरीकेकार रखती है, उसकी एक गाइडलाइन है। तो ये जो क्रिमिनल लॉ है
पहली बात यह कि ये कॉमन लॉ है, इस्लामी हुकूमत में सब पर ये अप्लाई होते हैं, और दूसरी बात यह है कि उसका एक खास प्रोसेस है, इस्लामी प्रोसेस है। मतलब ये कि वो मशरूत है इस्लामी हुकूमत के साथ, यानी वो जनरल लॉ है, कॉमन लॉ है, और उनकी तनफीज भी इस्लामी हुकूमत ही करेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि कानून है उसको कैसे भी आप नाफिज कर दो, उसको नाफिज करने का एक प्रोसेस है, तरीकेकार है जो इस्लाम का बताया हुआ है। यानी इन कानून को कैसे नाफिज किया जाएगा, इस्लाम के गाइडलाइन के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम का कोई क्रिमिनल लॉ उठाया जाए और कोई दूसरा उसको नाफिज कर ले अपने तरीके पे, ऐसा नहीं है। इस्लाम के जो कवानीन हैं वो इस्लाम ही उसको नाफिज कर सकता है, इस्लामी हुकूमत ही नाफिज कर सकती है उसी के तरीके कार के मुताबिक। तो जब यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है तो जो क्रिमिनल लॉ है इस्लाम की, इस्लामी हुदूद, उसकी उसका मतलब हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। शिर्क, बिदात और गुमराही से बाखबर रहने के लिए अहले हदीस उलमा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।